हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अज असी करन जा रहे हां द लास्ट लेसन ऑफ योर इंग्लिश बुक लेसन 12th मार्को पोलो। इत्थे असी कुछ नवे वर्ड सीखांगे, उन्हां दी प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, उन्हां दे मीनिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। मर्चेंट, व्यापारी। एडवेंचरस, साहसी। एक्सप्लोरर, खोजण वाला। कैरावन, काफिला। फैसिनेटेड, मोहित होया। ग्रैंडनेस, वड्डापन। लग्जरी, विलासता। स्पाई, जासूस। ट्रांसलेटेड, अनुवाद किया। इंस्पायर्ड, प्रेरित होया। लेट्स रीड द लेसन। मार्को पोलो। मार्को पोलो वाज अ मर्चेंट एंड एन एडवेंचरर। मार्को पोलो एक व्यापारी सी अते साहसी काम करन वाला सी। ही ट्रैवल्ड विद हिज फादर एंड अंकल फ्रॉम वेनिस इटली टू चाइना। उसने अपने पिता अते अपने अंकल दे नाल इटली दे शहर वेनिस तो चाइना तक यात्रा की। मार्को पोलो स्पेंट 17 ईयर्स इन चाइना बिफोर रिटर्निंग टू वेनिस। मार्को पोलो ने चाइना दे विच 17 साल बिताए वेनिस वापस मुड़न तो पहला। लेट अस रीड एंड लर्न मोर अबाउट दिस एडवेंचरस एक्सप्लोरर। आओ असी इस साहसी खोजी बारे होर जानिए। लोंग लोंग अगो, काफी समय पहला। वन देयर वर नो प्लेन्स एंड ट्रेन्स, जदों इत्थे कोई भी जहाज नहीं सन, रेल गड्डियां नहीं सन। नो कार्स एंड बसेस, कोई भी कारां अते बसां नहीं सन। पीपल हैड टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज बाय शिप और कैरावन। लोकां नूं दूजे देश जाण लई समुंदरी जहाज या काफिला बना के जाना पैंदा सी। मार्को पोलो वाज वन सच ट्रैवलर हू वेंट टू मैनी कंट्रीज। मार्को पोलो भी अजिहा यात्री सी जिसने के काफी देशां विच यात्रा कीती। बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट द पीपल, क्योंकि वह लोगों के बारे जानना चाहता सी। देयर फूड हैबिट्स एंड देयर कल्चर, अते उन्हां दियां खाण पीण दियां आदतां अते उन्हां दे सभ्याचार बारे भी जानना चाहता सी। मार्को पोलो वाज बोर्न इन वेनिस इन 1254। मार्को पोलो का जन्म 1254 ईस्वी विच वेनिस विखे होया। वैन ही वाज 17, जदों 17 सालों का सी, ही सैट आउट ऑन हिज फस्ट वॉयज विद हिज फादर निकोलो एंड हिज अंकल माफियो। वह अपने पिता निकोलो अते अपने अंकल माफियो दे नाल अपनी पहली जल यात्रा लई निकलिया। ही वॉन्टेड टू विजिट चाइना टू फाइंड आउट अबाउट द कंट्री एंड इट्स पीपल। वह चीन देश अते उत्थों दे लोकां नूं जानन लई चीन की यात्रा करना चाहता सी। इट टुक हिम 3 ईयर्स टू रीच चाइना। उसनों चाइना पहुंचन लई 3 साल लग गए। अलोंग द वे ही विजिटेड मैनी ग्रेट सिटीज एंड सॉ मैनी साइट्स इंक्लूडिंग द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। अपने रस्ते दे विच उसने कई महान शहरां दी यात्रा कीती अते कई जगावां भी देखियां, जिन्हां विचों पवित्र शहर जेरूसलम भी एक सी। ही आल्सो सॉ द माउंटेन्स ऑफ द हिंदूकुश, पर्शिया एंड द गोबी डेजर्ट। उसने हिंदूकुश पर्वत, पर्शिया अते गोबी मारुथल भी देखिया। He met a lot of different people and had many adventures. ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਹਸ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। The wealth and luxury of the Chinese cities impressed Marco Polo. ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਨੇ मार्को पोलो नु काफी प्रभावित किया। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ग्रैंडनेस एंड द ग्रेटनेस ऑफ कुबलई खान्स कोर्ट। ओह कुबलई खान दे दरबार दी विशालता अते महानता तो बहुत मोहित होया। इट वॉज नथिंग लाइक ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप। यह उस दे यूरोप दे अनुभव तो बिल्कुल भिन्न सी। द कैपिटल सिटी ऑफ किन्से वॉज लार्ज बट वैल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। किन्से दा राजधानी शहर बहुत ही विशाल सी, पर उस दा प्रबंधन बहुत वधिया सी अते उह साफ सुथरा शहर सी। द रोड्स वर वाइड, सड़कां चौड़ियां सन। ऑल दिस वॉज वैल बियोंड एनीथिंग ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन वेनिस। यह सब कुछ उस दे वेनिस दे एक्सपीरियंस तो बहुत परे दी गल सी। एवरीथिंग फ्रॉम द फूड टू द पीपल टू द एनिमल्स। वो हर एक चीज खाने तो लैके इंसानों तक अते इंसानों तो लैके जानवरों तक, लाइक ओरंगाटोन्स एंड रीनोस। जिस तरह के ओरंगाटोन अते गेंडे वर न्यू एंड इंटरेस्टिंग। वह उस लई नवे सन अते बड़े रोचक सन। मार्को पोलो लिव्ड इन चाइना फॉर मैनी ईयर्स।
Marco Polo China vich kafi saal reha and learnt to speak the local language ate usne sthanak bhasha bolni sikhi. He traveled throughout China. Usne pure China vich yatra kiti. He served as a messenger and spy for the emperor. Usne samrat de suneha den wale ate guptchar de taur te seva nibhai. He visited a lot of countries in western asia, north africa and southern europe. Usne pachhmi asia, uttari africa ate dakhni europe de bahut sare deshan diyan yatra kitiyan. During these visits he learnt about different cultures, foods and people. Inna sariyan yatrawan de vich usne alag alag तरह के सभ्याचार खाने अते लोकां दे बारे जानिया. He saw many places and things that nobody from Europe had ever seen before. उसने बहुत सारी जगहां अते वस्तुआं देखियां जिहड़ियां के यूरोप विच किसे ने भी कदी भी नहीं देखियां सन. After traveling for 24 years, 24 साल यात्रा करन तो बाद Marco Polo with his father and uncle decided to return to Venice. Marco Polo ने अपने पिता अते अपने अंकल दे नाल वेनिस वापस जाण दा फैसला लिया. They had left home in 1271. उन्होंने 1271 विच घर छड्या and finally returned in 1295 अते अखीर ओह 1295 विच घर परत आए. A few years after returning home, घर परतन तो कुछ साल बाद Venice fought a war with the city of Genoa. Venice दी लड़ाई Genoa शहर दे नाल हो गई. Marco was captured. Marco नू बंदी बना लिया गया and put in a Genoese prison. अते उसनू Genoese जेल विच पा दिता गया. He was released from prison in 1299. उसनू 1299 विच जेल तो कढ़िया गया. He became a wealthy merchant. ओह एक अमीर व्यापारी बन गया. He married a lady named Donata Badoer and had 3 children. उसने Donata Badoer दे नाल व्याह करवाया अते उसदे 3 बच्चे सन. He died on 8 January 1324 at the age of 70. उसका देहांत 8 January 1324 ईस्वी विच 70 साल दी उम्र विच होया and was buried in the church of San Lorenzo in Venice. अते उसनु Venice दी San Lorenzo church दे विच दफनाया गया. It was in the prison that Marco met a well-known story writer. जेल विच उसकी मुलाकात एक बहुत ही जाने पहचाने कहानीकार नाल होई. Marco narrated detailed stories of his journeys to the writer. Marco ने जेल दे विच उस राइटर नु यात्रावां दी व्याख्या करके दस्या. Who wrote all the stories in a book called The Travels of Marco Polo. जिसने कि ओह सारियां कहानियां दी एक किताब लिखी जिसका नाम सी The Travels of Marco Polo. It became a very popular book. ए बहुत ही मशहूर किताब बन गई. It was translated into many languages and read throughout Europe. इसका बहुत सारियां भाषावां दे विच अनुवाद किया गया अते सारे यूरोप दे विच इह पढ़ी गई. It is said that Christopher Columbus, another explorer, was greatly inspired by the book. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Christopher Columbus, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ. It is believed that he carried it along with him on his travels. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ.